इनारा द्वारा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर द अक्स एपिसोड 2 ने इसके रिजॉर्ट पुरमंडल में अपना पहला चरण पूरा किया। एपिसोड 2 जम्मू और कश्मीर के कला रूपों को खत्म करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के बारे में था। इस आयोजन में पूरे भारत से 100 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया और शीर्ष 30 प्रतियोगियों की सूची चरण 1 के समापन समारोह में जारी की गई। आज इनारा ने इवेंट के विजेताओं के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि वह पहली बार इनारा के साथ काम करने की भावना और अनुभव को व्यक्त कर सकें। इस मौके पर गिफ्टिंग पार्टनर्स में से एक शिल्पकारी बाजार भी मौजूद था। अन्य उपहार देने वाले भागीदारी विनी जम्मू और रैपिड इलेक्ट्रॉनिक्स थे। उन्हें आयोजन के विजेताओं के लिए सुंदर उपहार हैम्पर्स प्रदान किए। साथ ही नारा टीम ने कहा कि बाहरी राज्यों के विजेताओं को शिपिंग के जरिए हैम्पर्स मुहैया करवाए जाएंगे। उसको मिक्स करना चाहती है, तो दिस इज मोस्टली अबाउट जो कश्मीर और जम्मू का कल्चर था। लाइक पहले जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते थे, बट अभी सब कुछ बिकॉज पॉलिटिक्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस सब कुछ काफ़ी वियर्ड हो गया। और आप लोगों की हेल्प से आगे भी लगी रहेगी। हमारा आज सेकेंड एपिसोड आया है, अगर आप लोग सपोर्ट करें, हेल्प करें, तो आगे पता नहीं कितने सारे एपिसोड आएंगे। कल्पना, नेक्स्ट क्या रहेगा? अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ नया करने वाली है इनारा? सर, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो हम इस चीज़ पे फोकस करें कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने जो आर्ट बनाया है अब उसको हम एग्जीबिशन में लगाएंगे, सो दैट कि उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक आर्टिस्ट ने अगर एक आर्ट बनाया है तो वो वेस्ट जाए, वो सिर्फ घर पे नहीं लगे रहने चाहिए उनके। हम चाहते हैं कि इसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम आर्ट एग्जीबिशन करने वाले हैं जम्मू में, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होगा। और जैसे ही पेंडेमिक थोड़ा कम होता है या ख़त्म होता है तो वैसे हम अपना जो आर्ट एग्जीबिशन वो लगा लेंगे। आपका क्या रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से मैनेज किया ये सारा शो? एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। हम शुरू से ये करते आ रहे हैं तो इसलिए अभी हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना शुरू हो चुका है। जैसे मैं आपने बताया, हमारी पूरी जो टीम है वो सारी यंग जनरेशन है, कोई भी इनमें से 25 अबव नहीं है, सभी 25 से छोटे वाले हैं, कुछ तो अभी 12th पास है, तो वो आ रहे हैं हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो इससे हमें भी हौसला मिलता है कि हम भी काम करें। बट मैं अभी एक जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जम्मू के, जो लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए इनारा से, मिले इनारा से, एक बारी बात करें, उनको पता चलेगा कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। अब आगे जो इवेंट्स हैं, एपिसोड 3 से पहले हम एपिसोड 2 का सेकेंड स्टेज करेंगे, जो कल्पना ने बताया कि वो एक एग्जीबिशन होगा। अब वो कला केंद्र में होता है या यूनिवर्सिटी में, वो आगे की बात है, क्योंकि पैंडेमिक जैसे नॉर्मल होगा, कम होगा, उसके बाद की बात है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेएसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के संक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेएसी न्यूज। नमस्कार।